मैं रेहाना हूँ। 15 साल पहले तकरीबन मेरी शादी के 2 साल के बाद ही थोड़ी सी खांसी हुई थी और फिर मुझे ब्लड आने लगा मुंह से, तो फिर हम लोगों ने वहीं पर चेक करवाया तो पता चला कि टीबी है। पहली मर्तबा हैदराबाद से इलाज हुआ तकरीबन 6-7 माह का, तो वो 1-2 साल के बाद फिर दोबारा तबीयत ख़राब हुई, तो फिर उन्होंने तशखीस किया कि MDR का प्रॉब्लम है, तो फिर मेरा MDR का इलाज शुरू हुआ। मैं रियाना का शौहर हूँ। 1999 में हमारी शादी हुई थी और 2001 में ही बीमार हो गई थी। 2001 से जो अभी तक ये 2017 शुरू हो गया, तो बड़ा प्रॉब्लम रहा था हम लोगों को। कभी इन्होंने दरमियान में वज़न उठाया था तो फिर ब्लीडिंग हो जाती थी इनको। रेहाना शाहिद का मैं ट्रीटमेंट सपोर्टर हूँ। ट्रीटमेंट सपोर्टर का ये एक अहम रोल है कि वो मेडिसिन प्रॉपर दे, टाइम पे दे और पूरी दे। बीमारी की वजह से सबसे बड़ी मुश्किलात तो उनको ये थी कि अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। बड़े लोग हैं वो तो समझते हैं कि इस बीमारी में दूर रहना ज़रूरी होता है, लेकिन छोटे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं वो दूर हो गए हैं, तो ये उनके लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन ये है कि फैमिली वालों ने सपोर्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम अफसोस है आपका इलाज तो कंप्लीट हो गया लेकिन आपकी रिपोर्ट से हम मुतमईन नहीं हैं, तो फिर अभी आपको वेट करना होगा कि एक दवाई है बेडाक्लिन, उससे इलाज करेंगे हम आपका। अरसे से मेरी तबीयत बार बार ख़राब होती थी और रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हो रही थी मेरी, तो वो बेडाक्लिन खाने के बाद मेरी रिपोर्ट्स अगले माह से ही नेगेटिव होना शुरू हो गई। आज मैंने रेहाना को जिस तरह देखा, हंसते मुस्कुराते, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, इनके इनके भी जो काम करती हूँ, पहले कपड़े नहीं धोती थी, कपड़े भी धोते थे, फ्री कर देती। बहुत उम्मीदें हैं कि एक बार फिर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ।